हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे जहां तक पढ़ाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक जो राउल शाह का ला चल रहा था, सेकंड पार्ट, यानी जब हमारा, जैसे मान लीजिए कोई सलूशन था, सलूशन कैसे बनता था, यानी हम लोग क्या डालते थे, सल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट। इतना क्लियर था? पहले वाले पार्ट में हम लोग राउल शाह के उसमें क्या पढ़े थे कि जब हमारा कोई सॉल्यूट कैसा था, लिक्विड टाइप का था, और सॉल्वेंट भी कैसा था, लिक्विड था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा। बस क्या डिफरेंट रहेगा कि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा रहेगा, सॉल्यूट यानी जिसको हम लोग डाल रहे हैं किसी में, है ना, यानी जो आपका सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट को डाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक रहेगा क्या, सॉलिड, सॉलिड टाइप प्लस दूसरा कैसा रहेगा, लिक्विड टाइप, यानी ये आपका रहेगा सॉल्वेंट और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका सॉल्यूट रहेगा। क्या हो रहा है भाई, सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, अबे उधर जा, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी समझिए कि हमारा ये क्या रहेगा, ए रहेगा, और ए में हम लोग क्या डाल रहे हैं, बी, बी हमारा कैसा है, सॉलिड टाइप का, यानी कि ये इसका क्या, इसका वेपर नहीं बनेगा, यानी ये कैसा रहेगा, नॉन वोलेटाइल, और ये कैसा रहेगा, अरे ये तो क्या है, ये तो लिक्विड टाइप का है ना, जब लिक्विड टाइप का है तो कैसा रहेगा, वोलेटाइल रहेगा। वोलेटाइल कहने का मतलब, जैसे मान लो कि बेंजीन हो गया C6H6 है, लिक्विड है ना, और मान लो वाटर हो गया, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, और यहाँ पर नॉन वोलेटाइल में जैसे मान लो यूरिया हो गया, यूरिया, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, या क्या हो गया, या मान लो शुगर हो गया, है ना, C6 ग्लूकोज हो गया, मान लो पहले C6H12O6, या क्या हो गया, C12H22O11, सब क्या है, ये सब नॉन वोलेटाइल हैं। मतलब कहने के, जैसे चीनी, देखो चीनी को गर्म करोगे क्या वो उड़ेगा क्या, नहीं ना, उसका वेपर बनेगा, नहीं ना, ग्लूकोज को उसका भी वेपर नहीं बनेगा। मतलब कहने का, यहाँ पर जो वोलेटाइल होगा उसका क्या वेपर बनेगा, और जो नॉन वोलेटाइल होगा उसका उसका वेपर नहीं बनेगा। तो सेकेंड केस जो राउल शाह का है उसमें सॉलिड प्लस लिक्विड टाइप का रहेगा। तो देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। देखिए, जब यहाँ पर हम लोग का पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या था, जब लिक्विड का केस था, लिक्विड के केस में, तो जब लिक्विड का केस था पीएस कितना आया था, मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों था, और दोनों का वेपर बन रहा था, इसका भी और इसका भी बन रहा था, तो यहाँ पर पीए एंड पीबी, मतलब कहने का दोनों का क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो दोनों को मिला करके हम लोग सोल्यूशन को ऐड कर दिए थे, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ गया था, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस क्या हो गया था, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये आया था, ठीक है। इतना कब आया था, पहले वाले कंडीशन में, पहला कंडीशन में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर जो बी है वो कैसा है, बी कैसा है, बी नॉन वोलेटाइल है, मतलब जो इसका ये बताओ, जब बी का वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर रहेगा, नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि वो उड़ेगा ही नहीं। तो बस इसको पढ़ा दिया गया, इसमें मिला दिया गया, तो यहां पर पी बी नॉट क्या हो जाएगा, पी ए तो रहेगा ना, पी ए रहेगा, लेकिन पी बी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है।
पी ए नट रहेगा, ए का वेपर प्रेशर तो रहेगा, पी बी नट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका वेपर बनेगा ही नहीं, है ना। जब वेपर इसका नहीं बनेगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर पी एस कितना आ जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स। ठीक है, मतलब कहने का कि पूरे सोल्यूशन में कौन मौजूद रहेगा, केवल ए, बी तो है लेकिन बस नाम का है, क्योंकि उसका वेपर बन नहीं रहा, तो वेपर प्रेशर में उसका रोल होगा नहीं। फार्मूले में कौन आएगा, केवल पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स। ठीक है, अब ये बताओ पूरे सोल्यूशन में कौन कौन आ गया है, ए और बी। ए और बी जब आ गया है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन तो होगा ना कुछ कुछ, यहां पर कौन कौन कंपोनेंट आ गए हैं, ए भी आ गया है और बी भी आ गया है, समझो ऐसे है, मतलब ए है एंड बी है। इसमें ए क्या है, ये उड़ने वाला है, बी नहीं है, बी मतलब वहां पर थम के रहेगा। तो देखो क्या होगा, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए प्लस एक्स बी वो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, ये तो हमेशा ही सत्य है, ट्रू है कि एक्स ए और एक्स बी कितना आएगा, एक आएगा। तो यदि मैं निकालूं एक्स ए कितना आ जाएगा, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एक्स ए कितना आ जाएगा, वन माइनस एक्स बी। अब इस जो एक्स ए की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखते हैं, तो पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए कितना जाएगा, वन माइनस एक्स बी। अब इसको आगे कर लो, देख लो क्या आता है, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। इज दैट क्लियर, देखते हैं आगे। यहां पर मैं करता क्या हूं कि पी ए नॉट पी एस को उस साइड ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस, इसको इस साइड ले आता हूं तो क्या जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, यहां पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो पी ए नॉट है, पहले देखो इसको, देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, पी ए नॉट क्या है, ए का प्योर वेपर प्रेशर है। मतलब कहने का कि यहां पर ए था, ए था, इसके साथ कोई नहीं आया था, ये सिंगल था, जब सिंगल था तो खुद ही प्रेशर लगाएगा बेचारा। ठीक है, यानी इसका वेपर प्रेशर कितना बनेगा, पी ए नॉट। ठीक, ये बेचारा शांति से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन हम लोग शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो करेंगे ना, क्या करेंगे, इसमें हम लोग मिला देंगे क्या, नॉन वोलेटाइल, यानी जैसे मान लो कि हम लोग ग्लूकोज को ही मिला दिए, अब कहें अब जा बेटा क्या करेगा ये, तो जैसे ही बी आएगा इसमें, अब यहां पर ये शांति से उड़ रहा था वेपर बन बन के, इसका ए का वेपर प्रेशर चल रहा था, अब कौन आ गया, बी, सोल्यूशन में बी भी आ गया है। अब ये क्या कहेगा, जो वेपर बन के उड़ रहे थे पार्टिकल को, वो कहेगा क्या कि रुको जरा, सबर करो, कहां जा रहे हो। ठीक है, तो बी को रोक लेगा, मतलब कहने का जो बी है ए को रोक लेगा, यानी उड़ने नहीं देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, तो इसका वेपर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। देखो यहां पर पी ए नॉट में घट रहा है कुछ, यानी पूरे जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो इसको बोलते हैं क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी यहां पर पी ए नॉट माइनस पी एस है, इसको हम लोग सर्किल में कर लेते हैं या इसको नोट वैसे कर लेते हैं ताकि हम लोग को फार्मूला दिखे सही सही। ठीक है, अब देखो आगे, इसके बाद क्या हम लोग शांत बैठेंगे, नहीं, कुछ तो खुराफात करते रहेंगे ना, क्या करेंगे। देखो यहां पर पी ए नॉट है ना, माइनस क्या है, पी एस है,
ये दिख रहा है जो, ये क्या है? ऊपर नॉट लगा है, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर किसका? ए का। तो हम लोग क्या लिख देंगे नीचे ला करके? पी ए नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए, इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब ऊपर वाला रहता है तो हम लोग क्या पढ़ते? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन जब इसके नीचे आ गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? सिंपल है। यहां पर एक्स बी क्या है? दिमाग में सवाल तो यही उठता होगा ना, एक्स बी क्या है? बी का मोल फ्रैक्शन है। जैसे मान लो सोल्यूशन है, इसमें ए और बी हैं, तो बी का मोल फ्रैक्शन है। बी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? यदि मैं कहूं इसके आगे बी का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ बाबू, तो क्या करेंगे? पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में क्या हो जाएगा? पी ए नॉट। ठीक है, एक्स बी निकालना है। एक्स बी मतलब क्या? क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर एक्स बी मतलब क्या? बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मतलब क्या? बी का जो मोल होगा ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? यदि सोल्यूशन में ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन नीचे, मोल नीचे हो जाएगा। साथ में बी भी आता है तो बी को भी लिख लेंगे। ठीक है, हाँ कभी कभार इसको हम लोग स्मॉल एन से लिख देते हैं और नीचे दोनों को जोड़ करके क्या कैपिटल एन लिख देते हैं। ठीक है, या हम लोग मान लें कि जो हमारा ए है वो ज्यादा मात्रा में है तो इसका मोल एन हो जाएगा, और प्लस जो छोटा वाला है उसको क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेट जो मेन फार्मूला है आपका यही वाला है। तो ये राउल्स लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूले को मेमोराइज कर लीजिए। और ध्यान दीजिए, पी ए नॉट माइनस पी एस का इसका नाम क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जब पी ए नॉट नीचे आ जाएगा, यानी पी ए नॉट माइनस पी एस अपान में पी ए नॉट, इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सिंपल सा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।